ऐसी सख्त सज़ा दो जिहड़ी कम से कम वो औरत घर तो उतो बाहर ना निकल सके, कम से कम उन्हें पता तो लगे, वो परिवार को पता लगे, लोगों को पता लगे भी जोड़ा ये घटना इदा ही करेगा वह रहना कख नहीं। अदालत में तो हूँ लोड़ ही नहीं किसी पूछने की, फास्ट ट्रैक है तो विद इन 7 डेज विद इन 10 डेज ये फैसला होना चाहिए। मैंटली अपसैट सिर्फ गुरुद्वारे च ही पढ़ते, होर थावे क्यों नहीं पढ़ते, दूजे धर्म च क्यों नहीं जाते। जो जो 90 लाख रुपए का जो इश्तहार दिता गया भरपाई कदों कराओगे? ज्ञानी गुरमुख सिंह जो झूठ बोलता उन्होंने अकाल तख्त साहब का क्यों लाया गया जथेदार हैड ग्रंथी, फिर तुम होर की जवाब मंगे? 3-4 सवाल पूछे है, एक मैं पूछा कि ज्ञानी गुरमुख सिंह कहिंदे सी कि जथेदार जिहड़े ने उन्हां नूं तलब किया बादल ने कि सौदा साध नूं माफ़ी देनी है, जे गुरमुख सिंह ने एवें झूठ बोलिया सी क्योंकि वह बाद मुकर गया, जे तुसीं इह कहिंदे हो भी वह झूठ बोलता सी तां इस झूठ बदले उन्हूं सज़ा दित्ती है जां उन्हां इह उन्हूं सन्मान करता, उन्हूं तुसीं अकाल तख्त साहिब दा हैड ग्रंथी क्यों लाई बैठे हो, जां उन्हूं सच बोलण उहदा मूँह बंद कराया गया? बीबी जंगीर कौर कहिंदे असीं इह पंथ दे मसले ने बाद च विचार लांगे, मैं कहा नहीं, यही मसला गुरु ग्रंथ साहिब दा ही मसला है, ये जिहड़ा इह अज बेअदबी हुई है इहदियां जड़ां उत्थे पईआं ने, तुसीं इह सारा सिस्टम दसो जवाब। कहिंदी भाजी साहिब तुसीं बहुत सतिकारयोग हो, बीबी जी कहिंदे सतिकारयोग हो, प्रचारक हो, तो आया करो प्रचार करया करो, तो कहिंदे जिहड़ा हैगा असीं तुहानूं लिखती जिहड़ा जवाब है वह देवांगे, लिखती जवाब बीबी जंगीर कौर इत्थे कह के गए है। मैं वैसे चाहुंदा सी कि इहदा किहड़ा लम्मा चौड़ा समां लगना सी, 10 मिनट वह बैठ के सारयां नूं प्रैस दस देंदे, पर उन्होंने मैं कहना टाला वटिया, बाकी लिखती जवाब उड़ीकदे आ, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इत्थों रिस्पैक्ट ढंग नाल निकलण दी करी बीबी ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਕਰ ਲਵੇ 90 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਦਵਾਏ, ਬਾਦਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਦਾ ਲਫਾਫਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੌਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। तुसी देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल, मैं अमनदीप सिंह माझा, जिला संगरूर दे पिंड जौलियां विखे दुखदाई घटना हुई। पिछले दिनी एक औरत वालों तेल दे छिड़का करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप अते दरबार साहिब नूं अग्न भेंट कीता गया। इस मौके हर रोज़ बख बख जथेबंदियां, वड्डे वड्डे आगू, सिख जथेबंदियां दे आगू अते संत समाज पहुँच रहा पिंड जौलियां दे गुरद्वारा साहिब विखे, नतमस्तक हो रहे ने, दर्शन कर रहे ने कि किवें हुई गलबात देख रहे ने। अग्न भेंट सरूप भी इत्थे दरबार साहिब च मौजूद ने। सो इत्थे अज SGPC श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जंगीर कौर पहुँचे ने, तस्वीरां तुहानू सिद्धियां दिखाउणियां कि बीबी जंगीर कौर पहुँचे ने, वह भी नतमस्तक होए दरबार साहिब विच पहुँचे पिंड जौलियां विखे, तस्वीरां तुसीं सिद्धियां देखो कि संगत नाल गलबात कर रहे ने, घटना बारे जानकारी लै रहे ने, किवें घटना हुई, किन्ने बजे हुई, किसने घटना अंजाम दिता, जिस औरत ने घटना अंजाम दिता वह पहला भी इत्थे आउंदी सी जां नहीं आउंदी सी। सो तस्वीरां तुसीं पिंड जौलियां दीआं देख रहे हो जिथे पिछले दिनी श्री दरबार साहिब नूं अग्न भेंट किया गया, अग लगाई गई एक औरत वल्लों। सो हर रोज़ संत समाज पाउंदे आ ते बीबी जंगीर कौर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पहुँचे ने, सो उन्हां नाल गलबात भी करांगे। ये बदकिस्मती है कि सिख कौम सिख धर्म जो दुनिया विच एक बहुत वड्डियां सिद्धांतां ते मर्यादा विच चलण वाला धर्म है, उहदियां मर्यादा नूं उहदे सिद्धांत नूं उहदे कदी सरूप ते बार कीता जांदा है, कदी उसदे ग्रंथां ते बार कीते जांदे है, कदी उसदे सिद्धांत ते बार कीता जांदा, कदी उसदी मर्यादा ते बार कीता जांदा, कदी उहदे पहरावे ते बार कीता जांदा। ये बहुत घिनौनियां हरकतां जिहड़ियां हो रहियां, ये सिख कौम वास्ते बहुत घातक है। सानू सारयां नूं जिथे आप नूं भी सुचेत होना चाहिए, उत्थे मैं समझदी हां कि जिहड़ी अज ये मंदभागी घटना वापरी है, जो अज हिरदे बलुंदरे गए है सारे सिखां दे, और पूरा पिंड जिहड़ा मैं देखिया पीड़ित बैठा होया, केवल पिंड नहीं असी भी जदों दा सुनिया है उसे दिन दा मैंबरां दी मैं ड्यूटियां लाईयां, प्रचारकां दीयां लाईयां कि उत्थे पहुँचो ते जाके उत्थे पता करो कि उत्थे घटना वापरी किदां, सारा कुछ पता लगा। और असी क्योंकि परचा दर्ज SSP नाल असी तुहाडे सामने लगातार रखिया,
मैं वैसे धन्यवाद करती कि SSP ने मौके पर सारा कुछ काम करके तो उन्होंने कम से कम लोगों की संतुष्टि बनाई है कि जो उन्होंने ड्यूटी बनती सी उन्होंने की। अज भी मैं इस करके पहले 5 मैंबरी टीम भेजी सी कि ऐसी सख्त सज़ा दो जिहड़ी कम से कम वो औरत घर तो उतों बाहर ना निकल सके, कम से कम उन्हें पता तो लगे, उसके परिवार को पता लगे, लोगों को पता लगे भी जिहड़ा ये घटना इदा ही करेगा उसका रहना कख नहीं। UAPA जिहड़ी कि उसकी जमानत नहीं होंगी, वह असीं SSP को अज मिल के आए, मैं उन्हें भेजे सी कि तुसीं जाओ तो UAPA का जिहड़ा 302 भी लगनी चाहिए है कि लिविंग गुरु जो गल है तो फिर लिविंग गुरु की 302 भी लगनी चाहिए तो UAPA जिहड़ा वो मस्ट है क्योंकि ये साड़ियां भावनावां भड़कियां लोगों के कल्पना जिहड़ी है बहुत घबराहट आती है कि बनिया की। मैं समझती हाँ कि अदालत नूं तो हुण लोड़ ही नहीं किसी नूं पुछण दी, फास्ट ट्रैक है विदन 7 डेज विदन 10 डेज ये फैसला होना चाहिए, इस सबूत की की लोड़ है? ये सामने गुरु ग्रंथ साहब ने जिन्हें घटना की है वह भी सामने आ गया तो जो घटना हुई है वह सामने आ गया। ये अदालतों को लंबे केस नहीं करने चाहिए, फास्ट ट्रैक है के और पूरी प्रायोरिटी उत्ते केस लैके लाने चाहिए है ता जो सारी घटनावां का छेती फैसला हो। जिस परंपरावां ते मर्यादा दी घटना होंदी है जिहड़ी इह घटना है 18 साल की बच्ची है उन्हें 55-60 साल के बंदी दे नाल जबरी निकाह करा दिता गया, तो जबरी धर्म परिवर्तन किया गया, कोर्ट ने भी उन्हें उत्थे भेज दिता गया, दूजी कुड़ी 29 साल की सी उन्हें भी भेज दिता गया। 18 साल वाली नूं ते वापस जदों संगत दे रोह अगे झुक गई कोर्ट उन्हें वापस लड़की नूं घर भेजिया। मैं समझदी हां सारी कौम इकट्ठी हुई, सारिया जथेबंदियां उत्थे इकट्ठियां हो गई, तख्त साहब के जथेदार वालों भी चिट्ठियां सारे उत्थे चल गई, असी भी पहुँचे, साड़ी सिख मिशन जिहड़ा उत्थे बनिया होया जम्मू कश्मीर असी एकदम वफद उत्थे भेजिया भी जमीनी हकीकत देख के आओ की है रिपोर्ट करो। इसे तो दिल्ली कमेटी तो ड्यूटी लाई कि प्रधान साहब तुसी उत्थे पहुँचो तो जाके उत्थे देखो, साबका प्रधान सरना साहब भी उत्थे पहुँच गए, सारे उत्थे पहुँचे, इतने कौम इकट्ठी होकर जो गल की ना कौम ने तो मेरा ख्याल है फिर कोर्टा का भी जड़िया झुक जाएँ। सो इस करके मैं समझती हाँ कि वह फैसला यह होया कि लड़की वापस दिती, लड़की रजामंद की, उत्थे लड़का एक कुरबानी दिती लड़के ने कि मैं विआह करावांगा, वह लड़का साबत सूरत उत्थे मिल गया तो वह विआह किया गया उस लड़की मनमीत कौर का, तो वह विआह करके कल अज 4:30 बजे जहाज़ से प्रधान साहब नाल लै गए हैं कि थोड़ी सिक्योरिटी करके तुहानू असीं उत्थे नौकरी भी देवांगे, थोड़ी सेवा संभाल भी करांगे, तुसीं घबराउणा नहीं। सो ये हल कौम जिहड़ी इकट्ठे होकर कर सकती है, एक दूजे ते दूषणबाजी करके नहीं, किसी नूं असीं मैं किसी नूं दूषण देवां कोई किसी नूं देवे इहदा कोई फायदा नहीं हुंदा, सारी कौम जे इकट्ठी हो जाए कोई मसला नहीं जिहड़ा कि उहदा हल नहीं हो सकता। SGPC वल्लों गुरुद्वारा साहब मैं अगे कहा कि जो गुरु साहब जी की सेवा संभाल की गल है जां उहदे अज दे होए घटनाक्रम की जे मैं मरम लाउण लगा मैं नहीं ला सकती, सिर्फ एक दरबार की सेवा ली कि संगतां नूं थोड़ा बोझ इन्हां घट जाए 10 लाख रुपया इस बिल्डिंग के अंदरली सारी मैटिंग करने वास्ते जनू सवारन वास्ते दे नाल 2 सेवादार दे देण, मैं पिंड विचों 2 सेवादार भर्ती कर देंगी, वो इत्थे ड्यूटी देंगे तो वो इत्थे नाल सेवा संभाल करवाएंगे, ग्रंथी जिहड़ा क्योंकि एक ग्रंथी कुछ नहीं कर सकता, वो कितने बाहर जाता दूजा जना इत्थे नुकसान कर, हर गुरद्वारे दे परिवार मैं कमेटियां नूं बेनती करांगी हर पिंड दे विच घट्टो घट जे ग्रंथी है तो नाल सेवादार एक या दो जरूर रखो ता जो ग्रंथी की भी सहूलत बने तो सेवादार भी जरा सुचेत होकर सेवा करे पिंडां दे विच। जदों असीं ऐ नहीं मैं कहिंदी जदों असीं करोड़ां दे गुरद्वारे बनाने हां वी सेवादार भी रख सकते हैं, जदों असीं इन्नियां बिल्डिंगां ते खर्च करते हैं तो सेवादार रखने जे गुरु की संभाल नहीं कर सकते फिर गुरद्वारा बनाउण दा भी की फायदा। सच देखो जी मैनूं तो यही नहीं समझ आती कि कैसी कोई पक्की इन्हां लोकां नूं की गुड़ती दे के भेजते हैं की इन्हें इंजैक्ट करके भेजते जरा कोई बोलता ही नहीं, दुख तो इस गल का कौन लोग ने जेडे इन्नी पट्टी पढ़ा के भेजते बोलता ही कुछ नहीं। चलो ये तो हम जे नहीं होंगे वो दस देंगे की लिखना उन्होंने, मेरे हिसाब न जे जे पिंड वाले नहीं संतुष्ट जो उदा नहीं गल फिर तो असं भी कह सकते हैं, पर इन्हों जो देखो प्रशासन जो कर सकता उन्होंने किया, जे होर भी कुछ है अज असी UAPA क्या उन्होंने कहा असं वादा कर दें, जे 300 दाव कहेंगे उन्हें कहना असं वादा कर दें, असं जो चाहते जा दसीए उन्होंने। मैंटली अपसैट सिर्फ गुरुद्वारे च ही पढ़ते होर थावे तो क्यों नहीं पढ़ते दूजे धर्म च क्यों नहीं जाते। सो इस करके गलत लोगों ने यह गल पढ़ा दी गई है भी जो कोई इन्हों ट्रेड करके भेजता वह कहें पागल है।
ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਜੌਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੂਆਪਾ UAPA ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਚਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13,000 ਦੀ ਰਾਸੀ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਭਰਪਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਥੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਰਬਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਝੂਠ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ CA ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਆ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ
सारिया प्रेस दस देंगे दे, पर उन्होंने मैं कहना टाला वटिया बाकी लिखती जवाब उड़ीकते हैं कोई टाइम नहीं कोई कुछ नहीं बस इतों रिस्पैक्ट ढंग निकलन की करी बीबी ने तो लगता लिखती जवाब आएगा और जवाब इन्होंने को है नहीं इन्हों का प्यो दे दे ना जे जिन्हें लिफाफिया चो निकलते हैं असी तो उन्होंने कहने आके साथ बराबर गल करो तुम सुखबीर कर लवे 90 लाख क्यों दवाए बादल कर लवे ये बीबी बेचारी यदा लिफाफिया इन्हों का तुम्हें पता ही है किन्ना कि गलबात अज्ज के मुद्दे से पिंड जौलियां के मुद्दे से की गलबात करी उन्होंने जौलियां के मुद्दे से उही गल्लां कीतियां जिहड़ियां हर कोई करता भी हिरदे बलूंदरे गए जी की करिए ये गल्लां असीं करदे आम लोग तुसी पावर दे विचों तुसी करो कुछ ना कुछ जे तुसी नहीं कर सकते फिर करूगा कौन उही इत्थे साडे पिंडां दे भोले भाले लोग उन्होंने मोमो ठगणियां गल्लां जी कोई नहीं मैं पैसे दे दूँ 10 लाख दे दूँ ये दे दूँ ये कोई गल्लां नहीं हैगियां गल तां सिख तां जान वारदा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो मैं तां इह कहिंदा वी तुसी उह जिहड़े 35 सरूपां का भी मैं रखिया ज्ञानी गुरबचन सिंह के हस्ताक्षर 35 सरूप 250 तो वध पोथियां मलेरकोटले एरिए दे विचों चक्कियां गईयां सी मैं क्या वो मसला कित्थे है वो सारे मेरे तो डाकूमेंट तो फड़ के लै गए हुण असीं उड़ीक करदे आं भी की कार्रवाई करदे सो भाई हरजिंदर सिंह माझी ने कहा कि गलबात की बीबी जंगीर कौर तो सवाल पूछे के कई पक्के 35 सरूप महाराज के सरूप उन्हां वास्ते उन्होंने सवाल किया 328 सरूपां बारे गलबात की पर बीबी जंगीर कौर ने टाला बटिया तो उन्हें कहा कि ये मसले गंभीर ने कोई गल नहीं इन्हें करांगे तुहानू लिखती विच जवाब देवांगे भाई हरजिंदर सिंह माझी ने कहा कि असी उड़ीकदे आ कि लिखती विच जवाब कदों आउणगे रसपिंदर प्रिंस नाल अमनदीप सिंह माझा पंजाबी लोक चैनल।